अस्सलाम वालेकुम, मैं करीम लिमरा टाइम से। आज बहुत लोग के कॉल आए कि अपडेट चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो पूरी जानकारी। कुछ आवाम जो है, कुछ क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर जो है कंफ्यूजन में है, तो उसके वजह से चांद भाई को हमने बुलाया है। चांद भाई के पास क्या अपडेट है जानते हैं। चांद भाई, क्या है सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है? अस्सलाम वालेकुम, काफ़ी दिनों के बाद लिमरा टाइम्स में मैं और मेरे भाई करीम दाऊद आप लोग के साथ। सुप्रीम कोर्ट की अपडेट तो इससे पहले ग्रुपों में आप लोग तमाम लोग देख चुके हैं, फिर भी एक आप लोग को फिर बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है कि आने वाले 30 नवंबर तक जो इन्वेस्टर क्लेम करना चाहते हैं वो क्लेम कर सकते हैं, उनके लिए ये मौका है। और दूसरी बात ये है कि मतलब उसका टाइम लिमिट कितना है? 30 नवंबर तक जो है आप लोग जो है जो इन्वेस्टर क्लेम नहीं किए हैं वो क्लेम कर सकते हैं, और उन्हीं को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इन्वेस्टर मानेगा, और अगर 30 नवंबर के बाद आते हैं तो उनको इन्वेस्टर जो है नहीं मानेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया है, और जो इन्वेस्टर नहीं गए हैं अगर वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, उनके लिए रास्ता खुला है। और दूसरी बात, जो इन्वेस्टर क्लेम कर चुके हैं उनको अभी कुछ नहीं करना है, उनको जो है उनकी लिस्ट में नाम आ चुका है, और कुछ लोगों का नाम लिस्ट में नहीं आया, तो आने वाली लिस्ट में नाम आ भी जाएगा। कल हमारे एक दोस्त ने SFIO में नरसिम्हन सर से बात की है, नरसिम्हन सर ने भी जो है उनको दिए है कि अभी जो 30 तारीख तक जो जितने क्लेम आएंगे उन क्लेम के साथ जो है पुरानी लिस्ट भी जो है अपलोड करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला, पहले 30 नवंबर तक जो है कोई लिस्ट आने की उम्मीद नहीं है, 30 नवंबर के बाद ही लिस्ट आने की उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। तो जो जो जाना चाहते हैं, जो फैसला करते हैं वो जा सकते हैं। और बाकी कल की वीडियो में बहुत सारी बातें आपको खुलासा किया हूँ, और अभी बहुत से लोगों का सवाल है कि भाई इन्वेस्टर जो क्लेम कर चुके हैं उनको बहुत सारे वीडियो सुनने को मिल रहे हैं कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, इतने साल लगेगा उतने साल लगेगा, फलाना लगेगा डिमका लगेगा, तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग को जो है माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, जब आप फैसला करते हैं ना तो उस फैसले पे कायम है, और उस फैसले पे रहे तो उस रास्ते पे जो भी दिक्कतें आएंगी, जो भी परेशानियाँ आएंगी, तो वो तो झेलना ही है, सभी को झेलना है। अब रहा सवाल के वो बोलते हैं कि इतने साल लगेगा उतने साल लगेगा, उनको किस तरह मालूम कि इतने साल लगेगा, जबकि वो दूसरे केसेस का हवाला देते, जबकि दूसरे केसेस में ऐसा हुआ है कि एक मिसाल दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे सहारा का केस है। सहारा के केस में जो है करोड़ों के हिसाब से इन्वेस्टर है, मतलब करोड़ किसको बोलते हैं, यहाँ तो मतलब सिर्फ 7,000 लोग गए हैं क्लेम करने के लिए, वहाँ पे तो करोड़ लोग हैं, और उनका अमाउंट है 25,000 करोड़ से बढ़ते हुए कितने हजार करोड़, 40,000 करोड़ तक चला गया, जबकि वो मामला जो है सालों चल रहा है, वो चलेगा। उसी तरह जो है बेंगलुरु का है, बेंगलुरु में जो हुआ IMA का, उसमें 40,000 इन्वेस्टर थे, जबकि हीरा गोल्ड के बाद में उसका मतलब वो एक्सपोज हुआ, एक्सपोज होने के बाद में वहाँ पे कंप्यूटर अथॉरिटी बैठी, वो हुआ, सब कुछ हुआ, और वहाँ पे पहली किस्त लोगों को दे भी दिया गया, अभी उनकी प्रॉपर्टी भी बिक रही है, उसके ऑक्शन के पेपर भी, उसके ऑक्शन की नोटिस भी आ गई, जब वो मतलब इतने साल में 40,000 लोगों का उनका हुआ है, यहाँ तो सिर्फ 7,000 लोग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है 7,000 लोगों का, यहाँ तक कि उनका वेरिफिकेशन भी कर दिए, मतलब SFIO ने रिपोर्ट भी डाली, 5,258 लोगों उन्होंने फुली मैप कर लिया, फुली मैप करके उन्होंने कहा है कि 5,258 इन्वेस्टरों का हमने फुली मैप किया है। वो फुली मैप किससे किया है कि FSL ने जो डेटा हमको, हीरा ग्रुप का जो डेटा हमको प्रोवाइड किया था, उस डेटा से हमने जो है फुली मैप किया है। और फिर बाद में बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई इसमें फेक कस्टमर है, बोले बहुत जो इन्वेस्टर ही नहीं थे वो कर दिए, तो भाई इन्वेस्टर जो नहीं थे जो कर दिए, तो वहाँ पे सब फुली मैप में सब में पहला जो ना, सब में पहला आपके अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसा गया, सब में पहला ये है, पहले नंबर पर, यानी आपके अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसा गया ये पहला है, और उनके अकाउंट, उनका अकाउंट भी मतलब तस्दीक करा है कि 100 इन्वेस्टर से हमारे इनका अकाउंट से इतना पैसा आया, तो ये सब लीगल है। अब इसमें जो बोलते हैं कि भाई जो मेंबर ही नहीं थे, ऐसा नहीं थे, वो ये कर दिए, तो वो फंसेंगे ना,
जो फंसेंगे उसमें जो है हीरा ग्रुप भी केस करेंगी, है ना। और दूसरी बात है SFIO भी केस करेगी कि हमारा टाइम वेस्ट किया, हमको मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट की मतलब ऑर्डर की अवमानना करे, उन पर भी केस बनेगा। और दूसरी बात हम भी उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, उनको भी मंजर आम पे लाएंगे, उनकी भी लिस्ट जो है हम इंशाल्लाह लेंगे और लेके बताएंगे आप लोग को, अभी तक तो बताया नहीं उन्होंने। हाँ दूसरी बात ये कहा है कि उन्होंने 273 लोगों ने जो है विड्रॉल लेने के बाद भी क्लेम किया है, जो विड्रॉल ले चुके हैं उन 273 लोगों ने मतलब क्लेम किया है, जो वो 273 लोगों ने क्लेम किया है उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू है, उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है। तो ये 273 जो लोग हैं जो विड्रॉल ले चुके हैं इनको भी मंजर आप पे लाएंगे, पता तो चले ये कौन लोग हैं, है ना। हो सकता है हीरा, हो सकता है, बोल नहीं सकते अभी तक वो पता नहीं चला कि वो 273 कौन लोग हैं। हो सकता है कि वो हीरा ग्रुप के भी लोग होंगे, हीरा ग्रुप के ME होंगे, DSC होंगे, है ना। उन्होंने जो है मतलब इन्वेस्टिगेशन को मुतासर करने के लिए ऐसा भी हरकत किए होंगे, एक कानूनी दाव पे थे ना, कानूनी दाव पे चले होंगे। और कुछ लोग जो है शैतानी हरकत करने के लिए भी जो किए होंगे, और कुछ 273 में वो लोग भी होंगे जो शायद जो है लालची भी होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें को मंजरे आम पे आने तो दो, आने से पहले जो है उस पर जो है एक हंगामा खड़ा करना कोई मतलब नहीं रहा। और दूसरी बात है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर, जो बहुत सारे इन्वेस्टर जो परेशान है आज की तारीख में, और उन्होंने कॉल करके कहा है कि पूछा है भाई यहाँ पे मतलब किस तरह काम होना है, किस तरह हमारा मतलब जो है इन्वेस्टिगेशन होगा, ये इधर उधर के ऑडियो सुन के कह रहे हैं ना। और बहुत सारे इन्वेस्टर ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है उनके ME ले चुके हैं। तो ये आपकी कंपनी जो है, आप जो दावा करते हैं कि मुझे चलते हुए बिजनेस से उठाया गया, आपका बिजनेस ही था ना, तिजारत ही थी ना, आपको जब चलते हुए तिजारत से, चलते हुए बिजनेस से उठाया गया, तो आपको साबित करना है कि आपका बिजनेस कैसा है करके, और एजेंसी के पास आपको जवाब देना है। तो इन्वेस्टर इसमें क्यों मतलब पैनिक हो रहे हैं, इन्वेस्टर ने तो अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए ना, बिजनेस में तिजारत में किए थे ना, इस्लामिक तिजारत में किए थे। और इस्लामिक तिजारत में करने के बाद में नोएडा शेख की कंपनी का दावा है, नोएडा शेख का भी दावा है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपये टैक्स भरा, इतना टैक्स भरा। तो जो इन्वेस्टर क्लेम किए हैं उनको डराया जा रहा है कि इनकम टैक्स टैक्स कटेगा, टैक्स कहाँ से कटेगा जब कंपनी हमारा आपका पैसा लेके जो बिजनेस कर रही है, और बिजनेस करने के बाद आपको जब प्रॉफिट दे रही है तो वो टैक्स कट के आपके अकाउंट में आ रहा ना। तो ये टैक्स वैक्स भरने का जो कुछ रहेगा, जो भी सिस्टम रहेगा, वो नोएडा शेख के ऊपर रहेगा, नोएडा शेख की कंपनी के ऊपर रहेगा। और उसके बाद में एक रिपोर्ट भी आप लोग को देखने को मिली रहेगी कि इनकम टैक्स ने जो है रिपोर्ट भी सबमिट करी कि इतना मतलब पैसा जो है, इतना टैक्स जो है नोएडा शेख की कंपनी पे बकाया है, उन्होंने दावा भी किया था। उस पर भी जज साहब ने जो है उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको जो है वहाँ पे जो SFIO को दिया है। तो ये जो ये हो रहा है कि टैक्स कटेगा, वो कटेगा, तो वो सब बातें पर ध्यान मत दीजिए, आपका कैपिटल अमाउंट मिलेगा, ये बात तय है, ठीक है। और दूसरे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद में अभी जो है बहुत सारे ME DSA जो ME DSA आज जो इन्वेस्टर जो परेशान हैं, आज जो इन्वेस्टर आपस में एक दूसरे से लड़े हैं, एक दूसरे के जो दुश्मन बन के बैठे हुए हैं, और एक दूसरे के खिलाफ जो है बोलते हैं कि आप लोगों की वजह से हमारा पैसा रुक गया, वो यहाँ पर इल्ज़ाम लगाते हैं इन लोगों की वजह से हमारा पैसा रुक गया, तो इन लोगों को आपस में लड़वाने का जो काम किया ये ME और DSO ने किया, इन ME और DSO ने इसलिए किया क्योंकि ये खुद बच जाए, क्योंकि इनको खर्चा था, इनको डर था, इनको खौफ था कि कहीं इन पे भी कार्रवाई ना हो जावे, है ना। तो इन्होंने आपस में लड़वाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, खुद के मतलब घरों को बचाने के लिए, खुद के आल औलाद को बचाने के लिए इन्होंने इस चाल को चला। आज अगर नोएडा शेख जो इतनी हक पे है और हक पर चलने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह, उनका दावा है इस तरह की बातें, उनका दावा है इस तरह की बातें करने का, तो वो अपने ME DSO को पुकारे ना, पूछे ना कि आपने जो है इन लोगों के जो है ओरिजिनल फॉर्म लिए इनको वापस करो ना, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि वो मतलब उन्होंने कुछ गलती किया है तभी तो वो इन्वेस्टरों का सामना नहीं कर रहे ना, उन्होंने बहुत सारे मतलब काम गलत किए हैं तभी वो इन्वेस्टरों का सामना नहीं कर रहे, इन्वेस्टरों को उनको सामना करना चाहिए, सामना करके उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए हैं उनको वापस करना चाहिए,
और सलीम अंसारी जैसे एमईए, इन्होंने जिन कहीं लोगों का जो विड्रॉल डाले वो बताना चाहिए ना। अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिस तरह मैंने रात को बताया था, तो आप जो बाकायदा जो है एम ई डी एस ओ को बिठाइए, इस इन्वेस्टर को खड़ा कर दीजिए, वो इन्वेस्टर बताएगा कि ये इसके ऑफिस में जाकर मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। वो इनकार नहीं करेगा क्योंकि वो एक एक लोगों की शक्लें वो जानता है, हर चीज़, हर एक एम ई डी एस ए कौन सा इन्वेस्टर उसको सही तरीके से जानता है, एकदम दूध का दूध पानी का पानी। आप अगर आप तहकीक कर सकते हैं, आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आपके पास भी मौका है ना, आप भी करिए ना। इस तरह इन्वेस्टरों को डराने के तरीके मत ढूंढिएगा, इन्वेस्टरों की मतलब आसानी वाले काम करिए ना आप। मैं आप कहते हो आप तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं ली ना किसी से, आप तो किसी से कोई इन्वेस्टर से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिए कि आपने नहीं लिए ना। तो उसी तरह जो है आपके एम ई डी एस इसमें मुलविस थे, तो उनको बीच में लाइए आप, बोले मेरे इसमें आप बता रहा ऐसा बता रहा वैसा बता रहा, ऐसा नहीं चलता। आपके जो इतराफ में जो लोग हैं, जो बहुत सारे बहुत बड़े बड़े जानकार लोग खड़े हैं, उनको भी मैं बोलता हूँ, उनका भी उनसे भी मेरा सवाल है कि वो भी लोग जो है इन्वेस्टरों की सहूलत वाला काम करें ना। आपके पास इन्वेस्टर आता है, आप डायरेक्ट बोलते हैं कि आप मेरे इन्वेस्टर हो क्या, डायरेक्ट मतलब उस पर मतलब डराने वाला काम करते हो। अरे भाई आइए, आपके पास इन्वेस्टर आया है तो इन्वेस्टर से लीजिए, उसके सामने उसका कौन एम ई है डी एस ए है आपके पास रिकॉर्ड है, आप बिठाइए सामने सामने क्लियर करिए ना। उनको डराने का काम कर रहे, बोले ऐसा कर देंगे, ऐसे भी लोग हैं वैसे भी लोग हैं। अरे लोग अपने खून पसीनी गाड़ी कमाई आपकी इसमें डाल के आपसे जो है मुतालबा कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ आता हूँ, आपके ताल्लुक से जो है इन्वेस्टर जो है पैनिक हो रहे हैं। दूसरी तरफ आता हूँ, दूसरी तरफ ये है कि बात कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर जो मतलब आज परेशान है, जो मतलब परेशान होके परेशान बोले तो वो ऑडियो वीडियो सुन के परेशान है, तो उनको मैं कह दूँ, क्लियर कट कह दूँ कि आपको अभी कोई डरने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने आपके जो अमाउंट्स है 400 करोड़ रुपये, वो 400 करोड़ रुपये इनसे मंगाए। अगर आपके है ना 100 करोड़ होते तो 100 करोड़ मंगता था। अगर आपके 400 करोड़ के अमाउंट में से 200 करोड़ रुपये कट के अगर 200 करोड़ रुपये होता तो 200 करोड़ रुपये नहीं मांगते थे आपसे, 400 करोड़ रुपये उनको देने बोला। अगर 400 करोड़ रुपये आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग का जो है वेरिफिकेशन तो कर चुके हैं, बाद में एक कमेटी बैठेगी, कमेटी सिर्फ तस्दीक करेगी, जो काम हो चुका है उसको ही तस्दीक करेगी। ये नहीं कि वो नीचे से ऊपर वापस आएंगी, जहाँ से एस एफ आई ओ वेरिफिकेशन करके जो ये पेपर तैयार कर चुकी है उसी पे जो है उसको तस्दीक करेंगे। वो नए बैठ के जो है ना ये नहीं करेंगे, वहाँ पे जो नोएडा शेख की जो कमेटी में जो लोग बैठेंगे वो नीचे से वो ऑफिस से चेक करते नहीं आएंगे। जो एस एफ आई ओ वेरीफाई करके जो रखेगी ना फाइल, उसी को जो है तस्दीक करेंगे। अगर उसमें से किसी को डॉट आता है तो उसकी उसको अलग रख के उसके खिलाफ जो है पूछेंगे, उससे जो है डॉक्यूमेंट मंगाएंगे, यानी पूरा 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 मौका मिलेगा आपको। आपका ये नहीं कि ये डॉक्यूमेंट आपका देखा गया और इसको कैंसिल कर दिया, ऐसा नहीं। आपको मौका दिया जाएगा, पूरी तरह से आपको मौका मिलेगा। जिन पे भी उनको डॉट आता है तो उनके लिए, और जिनका डॉट नहीं आता तो वो वहीं पे मतलब उसको क्लियर कर देंगे। और ये लोगों को जो डराने का काम कर रहे हैं मत करो, और जो लोग अपने मतलब लोगों को पैनिक कर रहे हैं तो पैनिक करने से बेहतर है कि आप जितने जो नॉन कंप्लेनेंट हैं जिनके लिए आप मतलब कोशिश कर, आप उनके लिए कोशिश करो ना, उनके लिए बात करो, उनका प्लान बताओ कि आगे मंसूबा क्या है, क्या करेंगे, किधर करेंगे, उनको बताइए ना। उनको जो है हमेशा नॉन कंप्लेंट को बोले जो एस एफ आई में क्लेम के उनका ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा फलाना हो जाएगा डिमका हो जाएगा, ये रख के उनको क्यों डराया जा रहा है। आप सच्चे हो सीधे हो तो उनको डराओ मत ना। अपना जो आप लोग पे भरोसा करके चले हैं आप उन पे साथ दीजिए, उनका काम कीजिए। वैसे जो एक ईमान वाला शख्स होता है जो अल्लाह की राह पे मतलब अल्लाह के दीन और ईमान पे चलने वाला होता है, उसके लिए कोई नॉन कंप्लेंट और नॉन कंप्लेंट नहीं होता। इससे पैसा लिया तो उसको देना है, उससे पैसा लिया तो उसको देना ही है। ईमान वाली बात जो ईमान का दावा करते हैं ना, वो ये नहीं ना तफरीक नहीं करते कि ये कंप्लेंट कर दिया, ये मेरी कंपनी को डैमेज कर दिया, ये मेरा साथ दिया, ऐसा नहीं होता। उसको आप पैसा लिए तो उसको देना है, बाकी उसका हिसाब किताब उसको अल्लाह देखेगा, लेकिन आपका काम है उसको देना है। और आप जो है ये जो तफरीक करें ना कि ये नॉन कंप्लेनेंट ये वो, ये आपने बहुत मतलब सही नहीं किए। और आज भी आपके जो बोलते ना सपोर्ट करने वाले, ये आज भी वही काम कर रहे हैं। क्यों? जो आपको सपोर्ट किए, आपको उनकी खून पसीनी गाड़ी कमाई, बाकी इनकी क्या हराम की कमाई थी जो एस एफ आई में क्लेम किए? इनकी भी तो खून पसीनी गाड़ी कमाई थी ना।
आपको जो मतलब सपोर्ट किए, ये किए, उनकी आल औलादे हैं वो मतलब सही है, बाकी इनकी आल औलादे क्या हुआ, इनकी भी आल औलादे हैं ना, ये भी अपनी आल औलादों के मुस्तकबिल के लिए आपके पास पैसे लगाए थे ना। बात को दोनों जोड़िए, बात को आप तफरीक करके अपने अपने फायदे की बात को आगे बढ़ा के इनके इनको जो है इनके खिलाफ इनके इनके खिलाफ जो है बोल के आप जो है अपने फायदे की बात आगे मत बढ़ाइए। इनके लिए भी बात वही कीजिए जो आप सपोर्टर के लिए करते हैं, क्योंकि दोनों आपके ही हैं। और आपके सपोर्टर्स को भी बोलिए आप कि वो इस तरह जो है लोगों में मतलब ये ना करें। अभी बहुत सारी बातें हैं, आज पहली मर्तबा आए हैं, इंशाल्लाह ताला आइंदा अभी जैसे जैसे SFIO की तरफ से मुझे वेरिफिकेशन की जो जो रिपोर्ट मिलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और अभी भी मैं कहता हूँ कि जो इन्वेस्टर क्लेम नहीं किए हैं ये उनका अपना फैसला है, उनके लिए जज साहब ने दरवाज़ा खोले हैं 30 नवंबर तक। अगर वो फैसला करके जा सकते हैं तो जाइए, नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, हमको उनसे कोई मतलब कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, ठीक है। मतलब मुद्दा यह है कि अभी भी पब्लिक नहीं जा रही है, मतलब पब्लिक को डराया जा रहा है। अच्छा, गुमराह किया जा रहा है, बोले 10 साल लग जाएगा, 25 साल लग जाएगा, टैक्स लगेगा, टैक्स काहे को लगेगा यार, कंपनी पैसा लेके बिजनेस कंपनी कर रही, इनसे पैसा लेके कंपनी बिजनेस करके ना कंपनी टैक्स नहीं भरेंगी, इनको इनके टैक्स भरना पड़ेगा, बोलते ये कौन सी बात है। लोगों को इस तरह डरा रहे, फिर बोलते कि भाई 30 साल लग जाएगा, 30 साल लग जाएगा, अरे क्यों लगेगा भाई 30 साल 30 साल। अभी IMA का अपने पास ये 2 साल में उनके एक एक किस्त मिल गई, 50,000 मिल गई, 50,000 की एक किस्त दिया, फिर बाद में 1,00,000 की किस्त दिया, मतलब जैसा उनके पास पैसा आया उन्होंने दे दिया। अभी यहाँ पे मैडम बोली ना 400 करोड़ एक साथ भर देंगे, 400 करोड़ एक साथ भर दी तो एक साथ आएंगे ना, बराबर उस पर थोड़ा थोड़ी थोड़ी मतलब 5 रुपये दो 10 रुपये दो करके थोड़ी बोलेंगे। हाँ, 400 करोड़ में 100 करोड़ आता है तो वो 100 करोड़ बांटेगा 7,000 लोगों में, बाकी का 300 करोड़ का इंतजार करेंगे, है ना, ये हो सकता है, इस बात को अपन मान सकते हैं। तो वह अभी 400 करोड़ पे आ, तो मैडम तो बोली ना उनके पास 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 5,000 में 400 जाएगा, 4,600 रुपया, तो 4,600 करोड़ तो आपके पास है ना, दो ना फिर काय के लिए 400 करोड़ के लिए, ये बात भी तो बोलो। अभी क्या है, बाद में अपन इस पर जो है डिबेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तो ऑफिस में आया हूँ तो इंशाल्लाह बहुत वक्त है, तो अस्सलाम वालेकुम, काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोग के साथ आया हूँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं लिमरा टाइम्स से और लिमरा टाइम्स के न्यूज़ को बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि लिमरा टाइम्स जो है सिर्फ जो है हेरा गोल्ड की न्यूज़ करता, तो हमारे चैनल पे तो देखो, कभी ओपन तो करो कि कितने न्यूज़ आए, कितने दुनिया भर की न्यूज़ तो हम लोग डालते रहते हैं, आप तो देखो तो सही, देखो जरा जो शिकायतें आप लोग की मतलब चैनल खोल के देखिए, उसमें बहुत सारी बात बहुत सारी न्यूज़ हम लोग कवर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी टीम जो है, अभी जो एक टीम है, एक मैडम भी हैं जो उनके पास जो है पूरा ड्राफ्ट होके जाता है, पूरी उनको जो है न्यूज़ पे डालती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह टीम काम कर रही है, अभी जो काम कर रही है इंशाल्लाह ताला। अभी तो अभी ये एक ऑफिस भी इंशाल्लाह एक दो दिन के बाद गवंडी में खोल रहे ना अपना ऑफिस, गवंडी में। हाँ, अपन गवंडी में अभी तारीख कौन सी अपनी, 22 तारीख। हाँ, 22 तारीख को हमने गवंडी में दूसरा ऑफिस भी अपन ओपन करने वाले हैं, यही लिमरा टाइम्स का, तो इंशाल्लाह आप लोग की दुआ रहेंगी तो इंशाल्लाह ताला हम लोग तरक्की करेंगे और हमेशा आप लोगों के लिए जो है काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।